हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था स्केप सीक्वेंसेस, हम देख रहे थे। दो स्केप सीक्वेंस मैंने आपको बताए थे, स्लैश एन और स्लैश टी। इन दोनों के ही एग्जाम्पल्स हमने किए थे। और आज जो स्केप सीक्वेंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्लैश, आज मैं आपको बता देता हूँ, पहले स्लेश आर बताता हूँ। स्लेश आर को आप बोलते हो कैरेज, कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। स्लेश आर स्केप सीक्वेंस को कहा जाता है कैरेज रिटर्न कैरेक्टर। इसको एंटर भी कहा जाता है, ठीक है, एंटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्या इसका यूज़ होता है वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ। हेलो लिखने के बाद मैंने प्रोग्राम को सेव किया, बाकी मैंने कोड वही रखा है। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया, मेन फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने के बाद मैंने हेलो प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको चला के अगर आपको दिखाता हूँ, मैंने फाइल को ओपन कर लिया टर्बो सी के अंदर, इसको रन किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट में हेलो आ रहा है और हेलो के जस्ट बाद आपको ये कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुझे कर्सर की पोजीशन चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ कर्सर पहली पोजीशन पे आ जाए, तो स्लेश आर यूज़ करके आप कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन पे ला सकते हो। जिस लाइन में आप हो उस लाइन की स्टार्टिंग में आप कर्सर को ला सकते हो स्लेश आर का यूज़ करते हुए। मैं हेलो के बाद यहाँ पे स्लेश आर लगा देता हूँ, ठीक है। कर्सर को फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए आप स्लेश आर लगाते हो। मैंने यस किया, ठीक है। रन पे जाके मैंने दोबारा से इसको रन किया, तो अब आप देख रहे हो कि कर्सर जो है पहली पोजीशन पे ब्लिंक करने लगा है। जैसे ही मैंने स्लेश आर लगा दिया हेलो के बाद, तो आप देख रहे हो पहले कर्सर यहाँ पे आ रहा था ओ के बाद, और अब कर्सर पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्लेश आर के बाद कुछ लिखता हूँ, मैंने हेलो स्लेश आर फिर यूज़र लिखा, हेलो देन स्लेश आर देन यूज़र लिखा। अब आप देखेंगे, अब आप बता सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। पहले तो हेलो आएगा, फिर स्लेश आर से कर्सर पहली पोजीशन पे चले जाएगा। कर्सर पहली पोजीशन पे जाने के बाद आपने क्या लिखा, यूज़र लिखा, तो यूज़र कर्सर जहाँ पे होता है वहीं से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। कर्सर अगर एच की पोजीशन पे जा चुका है तो एच पे ओवरराइट हो जाएगा यू, ई पे ओवरराइट हो जाएगा एस, एल पे ओवरराइट हो जाएगा ई और सेकंड एल पे ओवरराइट हो जाएगा आर। तो एच ई डबल एल की जगह यूज़र आ जाएगा और देन आफ्टर ओ आपको शो होगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये इसका आउटपुट आ रहा है यूज़र एंड लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है ओ, ठीक है। और कर्सर ओ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्लेश आर का यूज़ करते हुए आप कर्सर को लाइन की पहली पोजीशन पे, पहले पहले कैरेक्टर पे लेके आते हो, ठीक है। आई होप कि एस्केप सीक्वेंस आपको क्लियर हो पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। Enjoy programming with Pankaj Panjwani.